गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर न्यू क्लास। वी आर स्टडिंग अवर 8th चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एंड नाउ वी आर स्टडिंग यूकैरियोटिक सेल। अमंग यूकैरियोटिक सेल वी डिस्कस्ड सेल वॉल। नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लिमा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लिमा, तो ये सारे नाम इस एक ही झिल्ली के। पहले इसको प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन कहते थे, आजकल इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एवरी लिविंग सेल इज एक्सट्रीमली कवर्ड बाय ए थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक रीजनरेटिव एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी जितने भी सजीव होते हैं वो सारे के सारे सजीव जो है उनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं एक सुरक्षित पारदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाली परत से ढकी हुई रहती है, जो अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है और अपनी रीजनरेशन मतलब अपना पुनर्निर्माण कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं इसका, आजकल इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। हमने बात की थी ये सेल है, तो ये सेल अगर एनिमल सेल है तो ये क्या होगी, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लांट सेल है तो इसके चारों ओर एक कवर और प्रेजेंट होगा जिसको अपन कह देते हैं सेल वॉल। तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से कवर्ड होती है, सॉरी प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से कवर्ड होती है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, वो लिविंग सब्सटेंसेस है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड पिक्युलरली फंक्शन प्रॉपरली ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट सेमी परमेबल नेचर। ये अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गनल्स होते हैं उन ऑर्गनल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ दोनों की बात करें, कवरिंग वेरियस सेल ऑर्गन मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन कवरिंग वेरियस सेल ऑर्गनल प्रेजेंट इन साइड द सेल हैव सेम अल्ट्रास्ट्रक्चर। यानी जो अंदर कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उन कोशिकांगों की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की स्ट्रक्चर जो है सूक्ष्म संरचना वो क्या है, सेम होती है, हैव सेम अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज लिविंग। दोनों को हम जैविक झिल्ली कह सकते हैं, जितने भी कोशिका अंगक होते हैं उन कोशिका अंगक की झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये स्वयं ये दोनों क्या है, जैविक झिल्ली कहलाती है बिकॉज दीज प्ले वाइटल फंक्शन फॉर अ लिविंग सेल। ये क्या करती है, जैविक गतिविधियां प्रदर्शित करती है एक सेल के लिए। अब हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जैसे अपन ने सेल वॉल के अंतर्गत देखा था, सेल वॉल जो है केमिकल कंपोजिशन, सेल वॉल आप लोगों को पता है जो मिडल लेमिला होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती, फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल, तीन वॉल्स में उसको डिवाइडेड किया था, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल से बनी होती है। तो यहां अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, दो चीज है, क्या क्या, एक है अपने पास लिपिड। लिपिड क्या होता है आप लोगों को पता है, व्हाट इज फैट और लिपिड, लिपिड इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने यौगिक को क्या कहते हैं अपन, लिपिड कहते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर। ये क्या होते हैं, दो लेयर होती है इसकी लिपिड्स की, बाय लेयर में ये क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होते हैं।
in cell membrane. It was suggested on the basis of amphithetic nature of lipid molecule. यानी lipid molecule का क्या होता है, उभयधर्मी या amphithetic nature होता है. आप लोगों को पता है जब हम पानी के अंदर तेल को डाल देते हैं, lipid के examples जो अपने घी और तेल जो ऑयल है वो होते हैं, तो जब हम डालते हैं तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है. तो कहने का मतलब क्या है कि एक सिरा जो है, एक सिरा वो जल से अटैच रहता है, दूसरा सिरा जो है वो जल से फ्री रहता है, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टू टाइप्स का इसका नेचर होता है. एक जो वाटर से अटैच रहता है और दूसरा वाटर से अटैच नहीं रहता. तो हम कह सकते हैं कि इट वाज सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्फेथेटिक नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल पोलर एंड हाइड्रोफिलिक हेड और ग्लिसरॉल. जो हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो पोलर नेचर जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक हेड है वो ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल ऑफ द फॉस्फोलिपिड. व्हाइल नॉन पोलर जो अध्रुवीय भाग है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ टू लेयर फेस ईच अदर एंड अरेंज फॉर्म्स है वाटर रेजिस्टेंस बिहेवियर. ठीक है, अब इसमें क्या है, मेनली फॉस्फोलिपिड है, लिपिड में भी क्या है, फॉस्फोलिपिड है. और फॉस्फोलिपिड जो है वो इसका 55-75% पार्ट जो है वो फॉर्म करता है. और फॉस्फोलिपिड में भी जो मोर कॉमन फॉस्फोलिपिड है वो क्या क्या है, वो आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, मैं नाम लिख रहा हूं. फॉस्फोलिपिड्स के टाइप है लेसिथीन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिक एसिड. तो इनमें से भी जो मोस्ट अबंडेंट कंपोजिशन है इसका वो क्या है, लेसिथीन. इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है. 55-75% अपने बात की, 55-75% फॉस्फोलिपिड है और 25-32% क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल है. टोटल लिपिड लाइज बिटवीन द फॉस्फोलिपिड. और कोलेस्ट्रॉल जो है वो, जैसे ये मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड है तो इसके बीच बीच में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी क्या है, वन इज द टाइप ऑफ फैट. नेक्स्ट इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्रोटीन है. और प्रोटीन क्या होता है आप लोगों को पता है, एसोसिएशन ऑफ 20 एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्रोटीन. प्रोटीन किसे कहते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं. और प्रोटीन भी इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है वो टू टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन विद फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है उनके साथ अटैच्ड होने के बेसिस पे प्रोटीन भी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट क्या है, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक, यानी जो आउटर सरफेस पे रहती है पेरिफेरल, बारी स्टेज पे जो फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड होती है. इंट्रिंसिक यानी जो फॉस्फोलिपिड के अंदर, जैसे मान लीजिए ये लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है, यहां पर क्या है, प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये लिपिड है और ये बीच में क्या होगी, प्रोटीन, और एक प्रोटीन यहां है, तो इसको तो हम क्या कह देंगे, पेरिफेरल, और इसको हम क्या कह देंगे, इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो जो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, ये आउटसाइड में अटैच रहती है, लूजली अटैच होती है, मींस इसको हम सेपरेट करना चाहें तो ये इजीली सेपरेट हो जाती है, और इलास्टिक बॉन्ड होता है इसके अंदर. और इसकी जो अमाउंट है, अगर अमाउंट की बात करें तो ये 30% एक्सटर्नल प्रोटीन होती है. स्पेक्ट्रिन, एसिटाइलोनिन, ये एटीपेज, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है. अब अगर अपन बात करें इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये टाइटली अटैच्ड होती है, इजीली ये सेपरेट नहीं होती है. 70% पार्ट्स जो है, अगर टोटल प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल 30% होती है, तो ये कितनी होगी, ये 70% होती है. एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है. और अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे ह्यूमन आई के अंदर, तो रोडोप्सिन जो है वो एक टाइप का
प्रोटीन है जो किसमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमन आईलिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो होगी केमिकल कंपोजिशन की बात। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले आता है इसमें सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है वो प्रपोज किया था किसने, डेनियल और डेविसन ने। ये अपने को याद रखना है, हालांकि इनके बारे में अपने को डिटेल स्टडी नहीं करनी है, लेकिन अपने सिलेबस में दिया हुआ है तो वन मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो ये अपने को याद रखना है। सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनियल एंड डेविसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपोप्रोटीनियस एंड टर्मिनेट ऑफ ट्राइपेप्टाइड मेम्ब्रेन, यानी इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइपेप्टाइड मेम्ब्रेन है जिसमें ये प्रोटीन है अपने, और इसके बाद में ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड की क्या है, टेल है। तो ये और ये दूसरा क्या है, लिपिड है, ये दूसरा लिपिड हो गया और ये वापस क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि आप लोगों ने सैंडविच देखा है या जो क्रीम वाले बिस्कुट देखे हैं, ऊपर बिस्किट नीचे बिस्किट बीच में एक लिपिड की लेयर, तो यहां बीच में क्या हो गया, लिपिड की बायलेयर्ड होगी, और एक लिपिड की लेयर होगी, एक प्रोटीन की लेयर होगी, एक प्रोटीन की लेयर होगी। तो इस प्रकार से ये सैंडविच मॉडल है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल, ये मॉडल दिया था डेनियल और डेविसन ने। ये मॉडल जो है वो खारिज हो गया क्योंकि उसके बाद में दूसरा मॉडल आ गया अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसको तो हिंदी में भी अपन क्या कहेंगे, सैंडविच मॉडल, और ये जो है वो क्या कहलाएगा, इकाई झिल्ली प्रतिरूप या मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेविड रॉबर्टसन। तो ये अपने को याद रखना है, ये किसने दिया, ये डेनियल एंड डेविसन ने, वन मार्क क्वेश्चन ये बनता है, डेनियल और डेविसन ने दिया, और ये किसने दिया, ये रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, इट वाज प्रपोज्ड बाय डेविड रॉबर्टसन। ही स्टडीड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ बायो मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है वो एक सिमिलर अल्ट्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर होते हैं और ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, यानी इन्होंने जो प्रतिरूप दिया वो ये था। इस टाइप से अपन स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। ये तो क्या हो गया अपना लिपिड लेयर हो गया, और इसके पास में ये क्या हो गया, प्रोटीन लेयर। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये क्या है, एक यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके भी बहुत से ड्रॉबैक थे, इस मॉडल को भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद में एक नया मॉडल आया, लिक्विड फ्लूइड मॉडल, जो कि अब तक का सर्वमान्य प्रतिरूप इसका है। लिक्विड फ्लूइड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, तो उसको भी देख लेते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल, या इसको अपन कह सकते हैं तरल मोजेक प्रतिरूप, तरल मोजेक प्रतिरूप या फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। ये बेस्ड है किसके ऊपर, गैदरिंग इंफॉर्मेशन और केमिकल एनालिसिस और बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके ऊपर ये प्रतिरूप जो है वो क्या है, बेस्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपन ने देखा कि केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है कि लिपोप्रोटीन और प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, और वो फॉस्फोलिपिड जो है वो फ्लूइड होते हैं, नेचर के बेस पे देखें
तो फ्लूइड इन नेचर एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक अपन देखते हैं पोलर और दूसरा नॉन पोलर, एंड ट्रांजिशन मूवमेंट्स मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन विद द सेम लेयर, मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं, और प्रोटीन भी अपन ने देखी थी टू टाइप्स की होती है, ग्लोबुलर आर ऑफ टू टाइप एक्सट्रेसिंग एंड इंट्रेसिंग। तो देखिए ये प्रतिरूप जो अब तक का सर्वमान्य प्रतिरूप है, इसमें क्या है, ये तो हो गया अपना लिपिड, और ये क्या हो गया लिपिड की टेल, और ये लिपिड का हेड, ठीक है, ये बाइलेयर लिपिड है, और यहां ये मैंने बना दिया, ये क्या अपना इंट्रेसिंग प्रोटीन है, इंट्रेसिंग प्रोटीन, और फिर आ गया अपना लिपिड, ये लिपिड इस प्रकार से कंटिन्यूअसली रहेगा, बीच बीच में क्या होगा प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, और यहां मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो ये तो क्या हो गया एक्सट्रिंसिंग प्रोटीन, और ये हो गई अपनी इंट्रेसिंग प्रोटीन। तो टू टाइप्स की इसमें क्या होगी प्रोटीन होगी, और टू टाइप्स का क्या हो गया लिपिड हो गया, लेकिन लिपिड की एक लेयर मानी जाएगी, तो ये भी एक प्रकार से सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग ही होता है। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज अ पोलर नेचर हैज टू स्पेसिफिक एंड हाइड्रोफिबिक एंड हाइड्रोफिलिक, सो इट इज एन एम्फीथेटिक नेचर, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशली ओलिगोसैकेराइड्स आर एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज फॉर्म्स द ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं तब उसको अपन क्या कहते हैं ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, व्हेन दे एसोसिएटेड विद फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और ग्लाइको प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट व्हेनेवर कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड टू द प्रोटीन। स्टीरोल मॉलिक्यूल्स स्पेशली कोलेस्ट्रोल आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड, दीज स्टीरोल्स आर मोर रिजिड एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट। तो ये अपनी जो लिक्विड फ्लूइड मोजेक मॉडल है, ये प्रोटीन लिबरेज इन सी ऑफ लिपिड्स, ऐसे लगता है जैसे दो सैंडविच की तरह है, लेकिन यहां पे दो टाइप्स की प्रोटीन है, एक इंट्रेसिंग और एक एक्सट्रेसिंग प्रोटीन। एक्सट्रेसिंग प्रोटीन को अपन इजीली इससे डिटेच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इंट्रेसिंग प्रोटीन को अलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद में अगर हम फंक्शन की बात करें या इसके मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो जो माइक्रोविलाइज वगैरह होती है उसका फॉर्मेशन इस टाइप से, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या बना लिया इसने माइक्रोविलाई बना लिया। तो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन या किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो जंक्शनल कंपोजिशन है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसमें, या एक सेल दूसरे सेल से जो अटैच रहती है वो टाइट जंक्शन के द्वारा अटैच होती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में वो डेस्मोसोम्स के द्वारा होता है, यानी इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है वो 300 to 500 एंगस्ट्रोम के इसमें बने होते हैं। और जो प्लाज्मोडेस्माटा की अपन ने बात की थी सेल वाल में, उन प्लाज्मोडेस्माटा का भी फॉर्मेशन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन से ही होता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोकेलेक्स स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है, पोर का फॉर्मेशन भी करती है, एंडोसाइटिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन भी करती है, और सीड्स का निर्माण भी करती है, बेसल फोल्डिंग्स का निर्माण भी करती है, और नेचर के बेस पे मैंने आपको बताया था सेमी परमेबल होती है, यानी अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती, या सॉल्यूट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चयन करती है कि कौन से मॉलिक्यूल को जाने देना है और कौन से मॉलिक्यूल को नहीं जाने देना। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया, कल हम एक नेक्स्ट ऑर्गेनल को लेंगे। थैंक यू।